सीमा प्रसाद, गुजरते हर घंटे के साथ पूरे देश के जहन में एक ही सवाल है और उसी सवाल का जवाब सबको चाहिए, चाहे वो मैं हूँ या मेरे दर्शक हूँ। सवाल ये है कि 12 दिनों से जो मजदूर टनल के अंदर फंसे हैं और जिनके लिए तमाम टीमें यहाँ पे ऑपरेशन कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, वो कब बाहर निकलने वाले हैं? क्या ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर दिन टीमें देने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ना कुछ बाधा, कुछ ना कुछ चुनौती, कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर सामने आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन बाधाओं के आने के बाद हमारी टीमें रुक जाती है, बिल्कुल ये सच नहीं है। सच ये है कि हर बाधा को पार करके ठान लिया है रेस्क्यू टीमों ने कि हर हाल में वक्त जितना लगे, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, उन सभी मजदूरों को सकुशल सुरक्षित तरीके से बाहर लेकर आना है और वो ख्वाब जल्द ही पूरा होगा। उत्तरकाशी की सुरंग में पिछले 12 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी पड़ाव में है। उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर में सभी मजदूर सही सलामत बाहर आएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, नई जिंदगी के लिए भगवान के शुक्रगुजार होंगे। सिलक्यारा सुरंग में रात में जब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम जोश के साथ अपना काम कर रही थी और अपने लक्ष्य के करीब थी, तभी ऑगर ड्रिल मशीन से कोई चीज टकराई। रेस्क्यू टीम समझ गई कि ये कोई स्टील की हार्ड पाइप है। इसके बाद उस स्टील पाइप को काटने का काम शुरू हुआ। अब वो स्टील पाइप काटकर रास्ते से हटा दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। किसी भी वक्त टीम अपने लक्ष्य यानी सुरंग में गिरे मलबे को भेद कर मजदूरों तक पहुँच सकती है। एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है, डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम तैयार है। इमरजेंसी कंडीशन के लिए सेना ने हेलीकॉप्टर्स को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है और अस्थाई अस्पताल तो टनल के बाहर से तैयार कर दिया गया है। ऑगर मशीन को मजदूरों तक पहुंचने के लिए 57 मीटर के मलबे को ड्रिल करना पड़ा है, जो 10 दिन पहले निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से फंस गए थे। ड्रिलिंग के बाद अब कुछ हिस्सा ही खोदा जाना बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि चंद घंटों में रेस्क्यू टीम को इसमें भी कामयाबी मिल जाएगी, जो मजदूरों के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं होगा। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं, एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। एक कैमरे को सुरंग के अंदर भेजा गया है, मजदूरों से उनकी सेहत की लगातार जानकारी ली जा रही है, साथियों का हाल जाना जा रहा है और उनके लिए खाना और जरूरत की दवाइयां भी भेजी जा रही है। जहाँ एक बंद कमरे में आम इंसान की कुछ घंटों में हिम्मत जवाब देने लगती है, वहाँ एक अंधेरी सुरंग में इन 41 मजदूरों ने एक दूसरे का हौसला बनाया हुआ है। सुरंग से बाहर आने की उम्मीद और दोबारा परिवार से मिलने की एक दूसरे में आस जगाई जा रही है। इन 11 दिनों की इस पूरी तस्वीर को आपको समझाते हैं। दरअसल ये सुरंग दो तरफ से बन रही थी, एक तरफ डंडाल गाँव है, सुरंग की लंबाई 450 किलोमीटर है, सुरंग 14 मीटर चौड़ी है। यहाँ सिलक्यारा से सुरंग में खुदाई चल रही थी और यहीं से वो 41 मजदूर अंदर काम करने गए थे। सिलक्यारा की ओर से 2.5 किलोमीटर तक सुरंग खोदी जा चुकी थी, दूसरी तरफ डंडाल गांव की ओर से सुरंग की 1.5 किलोमीटर तक खुदाई हो चुकी थी। बीच में 441 मीटर के दायरे में सिलक्यारा की ओर से आए मजदूर काम कर रहे थे और यही पर वो पत्थर गिरे। ऊपर से सुरंग में जो पत्थर गिरे उससे 57 मीटर की एक दीवार खड़ी हो गई और 41 मजदूर यहीं पर करीब आधे किलोमीटर के हिस्से में फंस गए। अब उन्हें निकालने के लिए सिलक्यारा की ओर से ड्रिल करके टुकड़ों में पाइप डाला जा रहा है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो सबसे छोटा है और मजदूरों तक यहाँ से 57 मीटर की ड्रिल करके पहुँचा जा सकता है। मजदूरों और सबसे बड़े चमत्कार के बीच अब कुछ ही मीटर का फासला बचा है, जिसके बाद उम्मीद की नई किरण, किसी ख्वाब से परे नई जिंदगी और बेबस चेहरों पर मुस्कुराहट की नई तस्वीर दिखाई देगी। अब से कुछ
कुछ ही देर बाबा लोकनाथ की पालकी लेकर, उनकी डोली लेकर यहाँ के जो ग्रामीण हैं, वो उनके ग्राम देवता हैं, वो सभी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। उसकी तस्वीरें मैंने कुछ ही देर पहले आप तक पहुंचाई भी थी और वो तस्वीरें इसलिए खास है क्योंकि एनडीआरएफ की टीमों ने, रेस्क्यू टीमों ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। क्योंकि उनका कहना यह है कि जब ये टनल बनना शुरू हुआ तो बाबा लोकनाथ की जो प्रतिमा थी वो यहाँ पे थी, जिसे शिफ्ट कर दिया गया दूसरी ओर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो रहा था तो ग्रामीण आए यहाँ पे और रेस्क्यू टीमों को बकायदा बताया और रिक्वेस्ट भी किया, गुजारिश भी की कि आप बाबा लोकनाथ की पूजा कीजिए क्योंकि वो हमारे ग्राम देवता है, उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ पूरा होगा। तो आप जो ये कोने में तस्वीर देख रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी मैंने कुछ देर पहले दिखाई थी, फिर दिखाती हूँ, वो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहले रेस्क्यू टीमें आती है और रेस्क्यू टीमें पहले वहां पूजा करती है, फिर ऑपरेशन में लग जाती है। अब हम बात करेंगे पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के सीएम हैं, वो आज पहुंचे और 11 बजे पहुंचने के बाद उन्होंने बाकायदा मजदूरों से बातचीत की। मजदूरों से बातचीत के दौरान उन्होंने उन्हें दिलासा दिलाया कि आप हर हाल में अपने आप को सुरक्षित रखिए, हम आपके बेहद करीब पहुंच चुके हैं, बस 12 मीटर का फासला है, उसे तय करना है, उसे तय करने के बाद ही हम आपको सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे, पूरा देश देख रहा है। पीएम की बातें भी उन्होंने वहां पे की, उन्होंने कहा कि पीएम रोज मेरे से पूछते हैं आप सभी के बारे में कि ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये बातचीत किस तरीके की रही हम आपको दिखाते हैं। आज भी अभी आया है, अभी राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ, और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना, ये तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर, जैसे ही आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं, ये सारी बातें सबको पता ठीक है। खाना वाना पहुंच जा रहा है, अभी पानी है अंदर, हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है, मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना। हाँ सब लगे हैं बिल्कुल, यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है, अगर किसी को बाहर आते कोई मेडिकल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका ध्यान रखिए और बिल्कुल जो है बस जल्दी से जल्दी, अब तो भगवान की प्रार्थना करनी है हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी बाकी एक्सपर्ट लोग और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, ये इंजीनियर हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? अरे सभा भाई, सब ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो आप लोगों के घर तक सब, आप लोगों के जो तस्वीर वगैरह जो वीडियो से आया था वो सब चला गया है, सब लोगों को बता दीजिए, घर वाले भी जो है सब लोग अभी जो है बिल्कुल आश्वस्त हैं सब, कि आपने जो है सबका जितना मनोबल बना के रखा यहाँ पर, मुझे सबकी जानकारी है आपके बारे में, आपके बारे में और नेगी जी के बारे में, दोनों लोगों के बारे में, आप लोगों ने जो है पूरी टीम को एकजुट रखा और स्वस्थ हैं सब लोग। आप लोग चलिए ध्यान रखिए, अब बिल्कुल हम लोग पास में पहुंच गए तो पता ही है आप लोगों को ना। हाँ कल रात को वो जो सरिया वरिया कुछ आ गए थे बीच में ना, बीच में गड, हाँ लेकिन काट दिया है सब, काट दिया है। अभी जनरल बीके सिंह साहब भी आए हुए हैं, माननीय मंत्री जी ना,
हाँ साथी में हैं। और प्रधानमंत्री जी लगातार आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज सारी जानकारी ले रहे हैं और सब लोगों को उन्होंने लगा रखा है। पूरे देश भर के इंजीनियर लगे हैं, विशेषज्ञ लगे हैं सारे, है ना। विदेशों के भी आए हैं अर्नल्ड जी, वो भी जो है पूरा अभी हम लोगों के साथ ही हैं। यहाँ पर यहाँ के बाहर के लोग भी हैं और आप लोगों के परिवार के लोगों से भी बात करवाने के लिए बोल दिया है, ये भी व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप, क्योंकि जल्दी से जल्दी थोड़ा ये है कि अब 10 ही मीटर आना है आगे अंदर ना, तो वो 10 मीटर कल ही आ जाता, लेकिन कल वो सरिया आने की वजह से दिक्कत हो गया है, वो कट गया है। अब देखते हैं दोबारा काम शुरू हो रहा है, ठीक है। नहीं हम यहीं पर हैं, सब लोगों को बता दीजिए, ठीक है। हाँ चिंता नहीं करिए, ठीक है।